ब्रेक के बाद स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं स्वाति मालेवाल के द्वारा लगाए गए संगीन आरोपों की, जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। उन्होंने सनसनी पैदा कर दी जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा कि दिल्ली में जो रेड लाइट एरिया है, यानी कि जीबी रोड है, वो जब से यहां पर जांच कर रही हैं, यहां के सेक्स वर्कर्स से मिल रही हैं, तो उन्हें ऐसे कोई संकेत मिले हैं कि उनका यह कहना है कि इसके पीछे इन कोठों के मालिक कौन है ये तो नहीं जानती, लेकिन कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है जो इन कोठों का मालिक है। तो चलिए, एक बड़ा आरोप लगाया है और इस समय आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं चंद्रसुता डोगरा जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। चंद्रसुता जी नमस्कार, MH1 न्यूज में स्वागत है। चंद्रसुता जी, स्वाति मालेवाल जी ने कहा कि उन्हें संकेत मिले हैं, ये कौन से संकेतों की बात है? क्योंकि अभी तक बात आती थी सबूत होते हैं, नाम लिए जाते हैं जब आपकी पार्टी के किसी नेता के ऊपर दोषारोपण किया जाता है, बेशक चाहे वो किसी भी सरकार द्वारा है, लेकिन साफ नाम लिए जाते हैं। तो स्वाति मालेवाल ने नाम क्यों नहीं लिया और ये संकेत, कौन से संकेतों की बात की जा रही है? देखिए, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि वो अपनी तहकीकात, जो दिल्ली महिला आयोग हैं वो तहकीकात कर रही थी कि इससे पहले कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती, उनके उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, झूठा उनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है और यही सब साबित करता है कि बहुत ही ताकतवर लोग इनको, इनका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो मैं पहले भी सुन रही थी, जो आपके पैनल पे और आए हैं बुलारे, उनकी बातों से ये बू आ रही है कि जो मौजूदा हमारी गली सड़ी व्यवस्था है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी शुरुआत से लड़ रही है, और जी जब भी कोई चैलेंज करता है या चुनौती देता है तो उनको ये खतरा महसूस होता है, और ये ही इसी तरह से इस व्यवस्था, ये पूरा सिस्टम अब बदला ले रहा है आम आदमी पार्टी सरकार के MLA से, दिल्ली महिला आयोग से, और इनको अपने काम करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, और बहुत ही गहरे षड्यंत्र के अंतर्गत इनको सबको रोकने की प्रयत्न किया जा रहा है। और ये बहुत सीरियस मामला है, इसके ऊपर हमारी देश की जनता को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये आखिर क्या हो रहा है, क्यों एक चुनी हुई सरकार और बहुत भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार को क्यों काम नहीं करना दिया जा रहा है। और इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि तकलीफ सब लोगों को क्यों हो रही है, क्योंकि स्वाति मालेवाल और दिल्ली महिला आयोग काम कर रही हैं। आप अगर पिछली जो दिल्ली कमीशन की जो प्रधान थी, उनका अगर कार्य देखें और उसका कंपैरिजन करें, तो स्वाति मालेवाल के अंदर दिल्ली महिला आयोग ने 11,500 केसेस को डील किया है। उसके मुकाबले पिछली जो मैडम शुक्ला हैं, उन्होंने सिर्फ एक, पिछले 8 साल में सिर्फ एक केस डील किया है। तो तकलीफ इस बात की हो रही है कि एक ये महिला आयोग है जो खूब जम के काम कर रही है, और दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल भी उठा रही है। और तकलीफ इसलिए हो रही है कि आप क्यों सवाल उठा रही हैं, जो हम मौजूदा हमारी व्यवस्था है जो बहुत आराम से चल रही थी, जिसमें इस तरह के शोषण हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं और बड़े बड़े गलतियां, बड़े बड़े कानून को तोड़ा जा रहा है, वो सब होने दीजिए ना। जब एक महिला आयोग उठ के आई है और वो सवाल उठा रही है और पर्दाफाश कर रही है मौजूदा व्यवस्था को, इन चीजों से तकलीफ हो रही है जी। तो चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले टेन्योर की बात की है, बरखा शुक्ला जी के टेन्योर की बात की है, तो यहां पर एक सवाल यह भी पूछना चाहूंगी। दिल्ली कमीशन ने अभी जो है उनके खिलाफ, शुक्ला जी के खिलाफ एक रिपोर्ट, उन्होंने कहा है शिकायत दर्ज करवाने की सिफारिश की है, क्योंकि वहां पर 2014 में 3 NGO को सपोर्ट किया गया, न जाने कितने लाख दिए गए, लेकिन वो शीला दीक्षित की सिफारिश पर दिए गए, और 48 लाख रुपया जो खर्च आता है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने में आता है। गुप्ता साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दो बातें इसमें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि अभी मिस डोगरा को मैं सुन रहा था जी, तो मैं समझता हूं कि शायद उनको भी चाबी भर के भेज दिया गया है। उनका जो भी उन्होंने अभी बात यहां पर की है, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, जो लिख के दिया गया उनको वो उन्होंने कहा है। उनको हमारी बात में कहां बू नजर आ गई मुझे? उनको संदीप कुमार में बू नजर नहीं आ रही है, उनको सोमनाथ भारती में बू नजर नहीं आ रही है, उनको जितेंद्र तोमर में नजर नहीं बू आ रही है, उनको गोपाल राय में बू नजर नहीं आ रही है, उनको
दिल्ली के अंदर जो हंगामा महामारी का मचा हुआ है कि जंग से दिल्ली के मंत्री फिनलैंड जाकर इंग्लैंड जाकर मौज मस्ती कर रहे हैं, उसमें वो नजर नहीं आ रही हमको। ये क्या तमाशा है आपको समझ में नहीं आती? आप किनके खिलाफ में क्या क्या बातें करती रहती हैं? और संदीप, आपको और क्या संदीप आपको आपको चाबी भर के भेज देते? आप भी पेड़ है क्या? आपको भी पैसा मिलता महीने के अंदर? आपको भी पैसा मिलता है महीने में बोलने के लिए? बाकी आपके जो वर्कर्स हैं जिस ढंग से पैसा उनको दिया जाता है ऐसे आपको पैसा मिलता है? आपको बोलने की तमीज होना चाहिए कि आपको किस ढंग से किस आदमी से बात करनी है। आपको हमारी बात में बुरी नजर आ रही है? आपको ये आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रही है आपको पता है? आपको संदीप कुमार में बुरी नजर नहीं आ रही है? और सुन लीजिए बात, बरखा शुक्ला के खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये ऐलान रहा है कि कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना होगा अगर कहीं गलती हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये जो कागज पेश किए हैं मालीवाल ने बरखा शुक्ला के खिलाफ में, ये पिछले पांच सालों का जो खर्चा वहां का हुआ है उसकी एक डिटेल है। इसमें एलिगेशन कहां पर है? इसमें एलिगेशन कहां पर है? ये सिर्फ डिटेल दी है। 2007 में इतना खर्चा हुआ, 2008 में इतना खर्चा हुआ, 2009 में इतना खर्चा हुआ। अरे कहीं कमीशन बनाया है, तनख्वाह भी दी जाएंगी, खर्चा भी होगा, उसमें एलिगेशन कहां पर है? करप्शन कहां पर है? भ्रष्टाचार कहां पर है? मैडम बोलने से पहले सोचा कीजिए आप लोग कि क्या बोल रहे हैं आप? बड़े कैबिनेट मंत्री की तरफ से ध्यान, आप नाम बता दीजिए कैबिनेट मंत्री का। आप उनको आप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? आप देश को बर्बाद करने में तुले हुए। इतना बड़ा एलिगेशन आपने लगाया, आप नाम बताना नहीं चाहते? इतना बड़ा एलिगेशन आपने लगाया है, सरकार चली जाएगी केंद्र की अगर किसी केंद्रीय मंत्री का नाम इसमें आपने बताया। आपको मालूम नहीं है आप क्या कह रही हैं गुप्ता जी? आपको मालूम नहीं है आप क्या कह रही हैं? आप नाम बताइए गुप्ता जी, उनकी बात भी सुनते हैं। थोड़ा सा गंभीरता से आप गंभीर हैं में भाग लीजिए। आपने शुरुआत कैसे की? आप गंभीर लगती है बात करने में? आप ध्यान भटका रहे हैं। आपको बात नहीं करने की तमीज? आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी बात में भूल नजर आ रही है आपको। चलिए बात यहाँ पर महिला आयोग से जुड़ी हुई है। अनिल झा जी, हरिशंकर गुप्ता जी, हम सीधा अपने दर्शकों को बरखा शुक्ला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं। पूर्व अध्यक्ष रही है, क्या कहना है उनका? और स्वाति मालीवाल की इसलिए करी, लोगों ने ये पूछा आपने केजरीवाल जी को क्यों नाम डाला। केजरीवाल जी ने अपने ऑफिस में बुला के मुझे कहा था कि आप राजमंगल प्रसाद को अपने ऑफिस में रख लीजिए। मैंने कहा सर मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है, वुमेन एंड चाइल्ड है और एलजी साहब से नोटिफिकेशन होके यहाँ पे लोग आते हैं, आपकी सरकार है, आप जो चाहें वो करें। उसके बाद उन्होंने ये कहा, जो दो तीन केसेस बहुत अहम चल रहे थे कि सोमनाथ भारती और अपना क्या नाम उसका कुमार विश्वास और एक इनका, और ये सब केसेस आप छोड़ दीजिए इन्हें और इनको खत्म करिए। मैंने कहा ये आपके अपने लोग हैं, आप समझा लीजिए बुला के, हम क्यों इसमें इंटरफेयर करेंगे, आपके अपने लोग हैं। तो कहने लगे आपका बहुत तजुर्बा है, हम आपका सम्मान करते हैं और आप जो है इसको हम आपके तजुर्बे से हम दोनों साथ मिल के चलेंगे। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने हमें ये ऑफर किया कि हम आपका जो टेन्योर है इसको कंटिन्यू कर देंगे, आप ये सब चीजें खत्म कर दीजिए। इसलिए मैंने केजरीवाल जी का नाम केस में डाला है। आज यहाँ पे महिला आयोग में जो कहा जा रहा है, महिलाओं को निकाल के पुरुषों को भरा गया है। महिला आयोग में पुरुषों की क्या आवश्यकता है, और वो भी इतने ज्यादा पुरुष, कोई वहां पे महिला नहीं, आप लोग तो सब वहां पे जाते हैं। उसके बाद आज उनको ये बात याद आई है कि हमने करप्शन किया है, आज एसीबी में कंप्लेन हो रही है, शीला जी का नाम लिया जा रहा है। ये बातें तो एक साल से सरकार में है, वो महिला आयोग में बैठी हैं, तो ये तो पहले भी हो सकता था, पहले क्यों नहीं किया? दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, चलिए ये चर्चा बरकरार रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।